हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग फिर से नया ब्लॉग लेके आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल टाइम हुआ है 12:10 और आज फिश बन रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइस, देखिए फिश का मसाला भून रहे हैं, प्याज, मर्चा, लहसुन, उसके बाद हो गया आपका जीरा। और ये फिश सिर्फ पेटी पीस लिया है, पेट का पीस जिसपे काटा कम होता है, ये है कतला फिश। लग रहा है गर्मी लग रहा है बहुत ही ज्यादा। गाइस क्या बताएं आप लोगों को। गाइस देखिए, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, छोटा मोटा किचन है ना, तो खिड़की है, कुछ भी नहीं है, इसलिए गर्मी बाहर जा नहीं पाती है, तो अंदर ही गैस बन जाती है। और काफी गर्मी में मेरी बीवी खाना बनाते हुए, ऊपर से शॉर्ट वीडियो तो बनाना ही पड़ता है क्योंकि शॉर्ट क्रिएटर है ना। तो गाइस देखते रहिए, जितना नसीब में मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए, बस हमको यही पता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो देने वाला ऊपर वाला है कि नहीं है? आप खुद का काम करते रहिए, देने वाला ऊपर से देता रहेगा। देखिए सिस्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटी? हाय गाइस बोल दो, इधर देखो, कैसे हो आप लोग, बोलो। दिन भर मोबाइल और काम नहीं है। और बड़े बेटी यहाँ पे बैठी है। हाय गाइस, शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर चुकी है, अब थोड़ा रेस्ट कर रही है। हाँ, थोड़े बाद फिर शुरू हो जाएगी शॉर्ट के लिए। क्या कर रही हो? काफी गर्मी लग रहा है गाइस, मैं अभी स्प्राइट निकल रही हूँ, थोड़ी सी थी तो मैं थोड़ा पीऊंगी, इतना गर्म में क्या करेंगे गाइस, पीना तो जरूरी है, नहीं तो जिएंगे कैसे, पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। मुझे भी दे दो थोड़ा सा। हाँ हाँ दूंगी, सबको ही दूंगी। तो गाइस देखिए, आप लोग भी पिए, गर्मी में बुरा हालत होता है गाइस। तो गाइस मैं भी थोड़ा सा स्प्राइट पी लेता हूँ, काफी गर्म लगता है, नाक से गैस निकलता ही रहता है ठंडा पीने से। काफी अच्छा लगा, अब रिलीफ महसूस हो रहा है स्प्राइट पी के। ज्यादा मत पी, ठंड लग जाएगी। आप लोग भी पीजिए, पीने से थोड़ा राहत मिलती है गाइस। लिमिट में पीने का, क्या लिमिट में पीने का, ज्यादा पियोगे तो सर्दी जुकाम फिर शुरू हो जाएगा। गाना गाओ तो बेटी, शंभू शिव महादेवा, शंभू 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 शिव। देखिए मछली लगभग 80% हो चुकी है और थोड़े देर पकने देते हैं, फिर खाएंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो पे। तो देखिए यहाँ पे है फिश करी और ब्रिंजल और आलू फ्राई, और यहाँ पे है दाल, रहर का दाल। तो अभी मैं लंच लेके बैठ गई, मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलने आती हूँ, और खाना थोड़ा देख लीजिए। तो मैडम आपका हाथ का खाना कैसा हुआ है, इधर खा के बताइए। फिश दिखा दो गाइस को, ये देखिए गाइस, खा के दिखा दो। कैसा है फिश? अच्छा लगा सच्ची में गाइस, कतला फिश है ऐसे भी टेस्ट। तो ठीक है गाइस, आप बने रहिए, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। तो गाइस देखिए, अभी टाइम हुआ है 5:00, तो थोड़ी रेस्ट किए थे खाना खाने के बाद, अभी चाय भी पिया है और सिस्टी को दूध पिला दिया है। सिस्टी उसका पापा के साथ थोड़ा बाहर गई, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ थोड़ी बाहर जाने के लिए। बाहर मतलब थोड़ी शॉपिंग है, कुर्ती सुर्ती, कुर्ती तो नहीं, वो आपका बेटी का प्लाजो लाना है और सब टुक टक मार्केटिंग है, तो मार्केट में मिलते हैं और क्या क्या होता है घर में भी आके मिलेंगे, तो बने रहिए गाइस। हम लोग फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं, अब कुछ कुछ खरीदारी करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहे और हमारा चैनल स्किप ना करें। चलो चलो चलो,
तो गाइस अभी हम मार्केट के अंदर जाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस हम लोग पहुंचे अभी होटल पे, खाने के लिए कुछ पैक करा रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के खाने का मन नहीं है, घर में ही अच्छे से खाऊंगी आप लोगों के साथ बैठ के बात करके। तो मेरा हस्बैंड का गर्म में हालत ख़राब है, देखिए इसका हालत। सर दर्द उठ गया इसका गर्मी में। गाइस यहाँ पे देखिए कितना कुछ मिलता है ठंडा। सोच रही हूँ लूँगी कि नहीं, घर में है फ्रिज में रखा हुआ। होटल देखिए गाइस, यहाँ पे तड़का रोटी फेमस है। मेरा हस्बैंड बात कर रहा है, हम लोग यहीं पे आते हैं जब भी मन करता है कुछ खाने के लिए। गर्मी में पूरा हालत ख़राब, देखिए मेरा फेस पूरा घाम के पसीना पसीना। तो हम लोग का खाना अभी पैक हो रहा है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं घर में। गाइस हम लोग का पैकिंग हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो घर जाके दिखाएंगे आप लोग को क्या लाया है। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो देखिए सिस्टी इधर क्या कर रही है, सिस्टी खेल रही है। पापा को एक अप्पा दे दो, अप्पा दे दो पापा को, किस दे दो। गुड गर्ल। हाय गाइस बोल दो। हाय, कैसे आप लोग। मैं ठीक हूँ। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो गाइस को। रुको रुको इधर आओ, फ्लाइंग किस दे दो गाइस को, फ्लाइंग किस दे दो। तो गाइस उधर देखिए बड़ी बेटी बैठ के मोबाइल देख रही है, सिस्टी डांस कर रही है। तो हम लोग आए अभी, भूख लगा है बहुत, स्नैक्स टाइम पार हो चुका है। तो अभी खा लेते हैं, आप लोग भी देखिए क्या लाए हैं। तो ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए रोटी तड़का लाई हूँ स्नैक्स के लिए, बहुत जोर से भूख लगी है, अभी खाऊंगी। मैं खाऊंगा रोटी और तड़का, बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है गाइस। अभी मैं रोटी तड़का खा के थोड़ा मन को शांति कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत करता हूँ। तो गाइस बने रहे चैनल पे, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और देखते रहिए शिखा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग। तो गाइस खा लेते, बहुत जोर से भूख लगी, मैं आधा खा चुकी हूँ पहले। तो काफी अच्छा बना है राइस, काफी टेस्ट है तड़का, काफ़ी टेस्टी बनी है और जोरों की भूख भी लगी है, तो मज़ा आ गया गाइस। काफ़ी स्वाद बना है तड़का, रोटी तो अभी का स्वाद होगा सेम ही है। तो ठीक है गाइस, आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। तो गाइस देखिए मैं मार्केट से क्या लाई, बेटी के लिए प्लाजो लाई, गर्म में कॉटन का है ये, एक लाई और ये एक। काफ़ी अच्छा है और कपड़ा भी सॉफ्ट है गाइस। और मेरे लिए सोचा था नाइकी लाऊंगी लेकिन पसंद नहीं लगा, तो ये लौकी एक लाए, लौकी। और यहाँ पर है मर्चा और ये सेंटेड लेबू लाए गाइस, सेंटेड लेबू, सुगंध वाली नींबू। हाँ सुगंध वाली नींबू, ये काफी अच्छा होता है दाल का साथ, इसका खुशबू से आप सिर्फ दाल और चावल ही खा सकते हैं। हम लोग बंगाली में ये लेमन है, ये लेमन का सुगंध इतना खुशबूदार है कि आप सिर्फ दाल और चावल ही खा सकते हैं, सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इतना अच्छा खुशबू है इस लेमन का। बंगाली में बोलता है गंधराज लेबू। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना तक ही है, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कॉमेंट में जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पर, आज के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू। तो सिस्टी बोल दो बाय बाय, बोल दो बाय बाय, बाय बाय बोल दो बाय बाय। तो गाइस बाय बाय, चैनल पे बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को स्किप ना करें।
ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि हम लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा से आप लोग को वीडियो दिखा सके। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।